Hello everyone, welcome to Abhimanyu IAS. I hope you're all well. First of all, let's talk about our combined batch for State Civil Services. Our batch for PCS, HCS and HAS is starting from 10th of April. This batch has a special feature of 7-day free trial, wherein you can attend our live lectures for 7 days absolutely free of cost, or more than 250 lectures by our expert faculty members, in ki aapko access provide ho jayegi. So, how to start your 7-day free trial? To start your 7-day free trial, you have to go on the link in the description box. Description box mein ek link hai, us pe jaiye aur apne aap ko register kijiye for your 7-day free trial. Now, coming back to our series on international organizations, wherein today we are going to discuss about World Trade Organization and a couple of issues about the World Trade Organization. Current issues of World Trade Organization ki aaj hum baat karenge, jisme hum agreement on agriculture aur sugar subsidy ki baat karenge aaj. सबसे पहले अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर कब साइन हुआ? अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ईयर 1995 मारकेश अग्रीमेंट के बाद साइन हुआ, राइट? तो हमने कहा, पहले भी देखा था इसके बारे में कि यूरोगुए राउंड में नेगोसिएशंस हुई और मारकेश अग्रीमेंट के बाद अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर रेटिफाई हो गया, राइट? तो अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का पर्पज क्या था? टू प्रमोट अ मोर फ्रीयर एग्रीकल्चरल ट्रेड, एग्रीकल्चरल ट्रेड में रिफॉर्म्स लाने के लिए और डोमेस्टिक पॉलिसीज में भी रिफॉर्म्स लाने के लिए, ताकि ग्लोबल लेवल पर जो एग्रीकल्चरल ट्रेड है ना, वो फेयरर हो सके, राइट? नाउ अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर रेस्ट ऑन थ्री ब्रॉड पिलर्स: मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट और एक्सपोर्ट सब्सिडीज. ये तीन पिलर्स हैं बेस्ड अपॉन विच अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर रेस्ट अपॉन, राइट? तो ये तीन पिलर्स जो है, मार्केट एक्सेस क्या है? मार्केट एक्सेस टॉक्स अबाउट की किसी और नेशन के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को कितनी एक्सेस देनी है अपनी मार्केट्स में, दैट इज मार्केट एक्सेस. डोमेस्टिक सपोर्ट इज कि अपने फार्मर्स को कितने लेवल तक, किस परसेंटेज तक आप सपोर्ट कर सकते हो, डोमेस्टिक सपोर्ट. थर्ड इज एक्सपोर्ट सब्सिडीज कि हमने अपने एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को कितनी सब्सिडीज देनी है, दैट इज एक्सपोर्ट सब्सिडी. नाउ जो सब्सिडीज है ना एग्रीकल्चर में, अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंडर, वो तीन बॉक्सेस में डिवाइडेड है: ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स एंड एम्बर बॉक्स, राइट? ब्लू बॉक्स सब्सिडीज कौन सी सब्सिडीज है? दीज आर सब्सिडीज विच लिमिट द प्रोडक्शन. ये प्रोडक्शन को लिमिट करने के लिए जो सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती हैं, उनको कहते हैं हम ब्लू बॉक्स सब्सिडीज, राइट? अब लिमिट प्रोडक्शन क्यों करनी पड़ती है? प्रोडक्शन को लिमिट क्योंकि प्रोडक्शन को लिमिट करना मतलब कम करना, उसके लिए सब्सिडी देना. कई बार डिमांड सप्लाई में ऐसा इशू आ जाते हैं कि सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर प्राइसेस इफेक्ट होने लग जाते हैं. दैट इज़ वाई समटाइम्स इट इज़ नीडेड टू कट डाउन ऑन द प्रोडक्शन. दैट इज़ वाई सम सब्सिडीज आर ऑल्सो नीडेड फॉर दैट, कि आप फार्मर्स को कोई सपोर्ट प्रोवाइड करें कि ठीक है, यू डू नॉट प्रोड्यूस दिस अमाउंट ऑफ क्रॉप, वी आर गोइंग टू पे यू, वी आर गोइंग टू कॉम्पनसेट यू फॉर दैट. तो उन तरह की जो सब्सिडीज हैं, जो उस तरह की सब्सिडीज हैं, वो ब्लू बॉक्स में आती हैं. WTO उन पर कोई लिमिट नहीं लगाता है, बट WTO कहता है कि मेक श्योर कीजिए कि ये जो सब्सिडीज है वो ट्रेड को डिस्टॉर्ट ना करें, राइट? अब ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज, व्हाट आर ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज? ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज आर दो सब्सिडीज विच आर कंसिडर्ड नॉन लिमिटिंग बाय WTO. WTO इनको कहता है कि ये जो सब्सिडीज है ना, ये नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है, ठीक है, ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करती है. क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट सब्सिडीज नहीं होती है. ज़्यादातर ये होता है कि दे आर नॉट प्रोडक्ट स्पेसिफिक एंड दे आर मोस्टली बेस्ड अपॉन एग्रीकल्चरल एनवायरनमेंट. ये एग्रीकल्चरल एनवायरनमेंट को बेटर करने के लिए जो सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है ना, वो आती है ग्रीन बॉक्स में. तो ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं होती है, एग्रीकल्चरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट बेटर करने के लिए होती है, जैसे कि वाटर या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दी. तो दो सब्सिडीज कम अंडर ग्रीन बॉक्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एम्बर बॉक्स. एम्बर बॉक्स सब्सिडीज कौन सी होती है? एम्बर बॉक्स सब्सिडीज आर दो सब्सिडीज विच आर कंसिडर्ड ट्रेड डिस्टॉर्टिंग By WTO. WTO कहता है कि ये वो सब्सिडीज हैं जो कि ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं. तो इसके अंडर एक डी मिनिमस क्लॉज है कि मिनिमल लेवल ऑफ एम्बर बॉक्स सब्सिडीज हैव बीन अलाउड. कौन सी सब्सिडीज है, कितनी अलाउड है वो? 5% अलाउड है डेवलप्ड नेशंस को और 10% अलाउड है डेवलपिंग नेशंस को, राइट? और स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म, ये एक और कॉन्सेप्ट है. स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म के अंडर क्या है कि जो डेवलपिंग नेशंस है ना, उनको कुछ स्पेशल सेफ गार्ड्स मिले हैं टू प्रोटेक्ट देयर एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, ठीक है? प्रोटेक्शन ऑफ मैकेनिज्म फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म. इसमें उनको उतने रूल्स फॉलो करना नहीं होता जितने कि डेवलप्ड नेशंस को फॉलो करने होते हैं, राइट?
नाउ मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक अबाउट कि इशू क्या है, हुआ क्या. तो मल्टीपल टाइम्स ऐसे होता है कि नेशंस के अगेंस्ट कंप्लेंट्स होती हैं WTO में, स्पेशली नेशंस लाइक इंडिया चाइना की, ये ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़्यादा पब्लिक स्टॉक होल्डिंग कर रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो इंडिया ने 2001 में, हमें पता है, दोहा राउंड की बिगिनिंग हुई थी, ठीक है, ये भी एक ट्रेड राउंड था WTO के अंडर. यूरोगो राउंड के बाद दोहा राउंड हुआ था. तो दोहा राउंड की डिस्कशंस में 2003 में कॉन्कन में, ठीक है, एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी. तो ये जो कैनकम मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी ना 2003 में जो हुई थी, इससे पहले डेवलपिंग नेशंस ने एक कोएलिशन बना लिया, एक ग्रुपिंग फॉर्म कर ली, ताकि वो अपना एक यूनाइटेड फ्रंट रख सके डेवलप्ड नेशंस के आगे और WTO के आगे, कि हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच पर ट्रेड चाहिए, ठीक है. वी वॉन्ट कि जिस तरह डेवलप्ड नेशंस को फेवर की जाती है वैसे ना हो, और हम अपना अपनी डिमांड्स को यूनाइटेडली रखेंगे अब, ठीक है. तो G33 वो एक कोएलिशन था, कोएलिशन है, इंडिया भी इसका पार्ट है. और इंडिया ने अभी रिसेंटली G33 की वर्चुअल मीटिंग में कहा है कि जो WTO फेवर करता है ना डेवलप्ड कंट्रीज़ को, वो उसको स्टॉप करना चाहिए, उसको एक बैलेंस्ड अप्रोच अप्लाई करनी चाहिए और फाइनलाइजेशन करनी चाहिए कि स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म जो है उस पर फाइनलाइजेशन करो, ताकि बार बार डिस्प्यूट्स ना हो, राइट. और परमानेंट सोल्यूशन दो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग्स पे, क्योंकि जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है, इंडिया ने कहा कि इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारी फूड सिक्योरिटी बहुत डिपेंड करती है पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पे, राइट. फूड सिक्योरिटी इज रिलेटेड टू आर सॉवरेंटी. अगर हम फूड सिक्योरिटी नहीं होगी तो सॉवरेंटी में भी क्वेश्चन उठेंगे, राइट. तो इसलिए इंडिया ने कहा कि फाइनलाइजेशन हो और एक परमानेंट सोल्यूशन हो इन इशूज का. क्यों कहा अभी इंडिया ने? क्योंकि जून 2022 में जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही है WTO की, तो उससे पहले ही कंट्रीज क्या करती है, अपना एक स्टैंड रख देती है कि दीज आर द लाइंस वी वुड लाइक टू टॉक अपॉन दीज, और दिस इज अ स्टैंड, राइट. अब उन्होंने कहा कि डेवलप्ड नेशंस क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एज पर द अलाउंस जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनको तो 5% अलाउड है, हमने किया अभी, राइट, डीमिनिमस क्लॉज के अंडर. पर ये क्या करते हैं कि ये ओवरऑल कैप दे देते हैं अपनी सब्सिडीज पे डेवलप्ड नेशंस जो है, क्योंकि इनके पास इतनी रिसोर्सेज हैं कि ओवरऑल कैप दे सकते हैं. तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं देते, प्रोडक्ट स्पेसिफिक 5% अलाउड है, तो इसलिए वो ओवरऑल ही कैप दे देते हैं अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे. इसलिए वो लोग जो हैं दे आर नॉट कमिटिंग एनी वायलेशन टू द रूल्स, इसलिए वो उनकी जो बात है उनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स नहीं होती. पर इफेक्टिवली ये ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, राइट, दिस इज वॉट इंडिया सेज. तो इस पे भी कुछ चेंजेस आने चाहिए, कुछ डिसीजन मेक होना चाहिए कि ऐसे कैसे हो रहा है, राइट. कि वो तो ओवरऑल कैप दे के निकल रहे हैं आराम से और हम हमारे अगेंस्ट कंप्लेंट्स हो जा रही हैं बार बार, राइट. और इंडिया और चाइना ने एक अपने रीसेंट पेपर में अभी कहा है कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं ना, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, उनको हम जो MSP से प्रोक्योर करेंगे उसमें से उस एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, कि MSP की जो प्रोक्योरमेंट्स होंगी ना उनमें से हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, राइट. क्योंकि वो भी नेशंस क्लेम करते हैं कि ट्रेड डिस्टॉर्ट करती है. नाउ आवर सेकंड इशू दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, शुगर सब्सिडी. शुगर सब्सिडी का इशू शुरू कब हुआ? इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2019 व्हेन ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील एंड ग्वाटेमाला, दे कंप्लेंड अगेंस्ट इंडिया एंड बेसिकली अबाउट इंडियाज शुगर सब्सिडी, कि इंडिया जो शुगर सब्सिडी देता है वो बहुत ज़्यादा है, ग्लोबल लेवल पर ये शुगर केन के प्राइसेस को कम कर रहा है, राइट. तो क्या हुआ फिर उसके बाद, क्या होता है जब भी कोई डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास जाते हैं WTO की, वो एक पैनल बनाती हैं, पैनल के अगेंस्ट एपिलेट बॉडी होती है. अगर पैनल की अपील के अगेंस्ट, पैनल के अगेंस्ट अपील करनी हो तो एपिलेट बॉडी होती है, दिस इज द प्रोसेस, ठीक है. तो पैनल बना, क्या हुआ, पैनल ने इंडिया के अगेंस्ट रूल कर दिया. पैनल ने कहा कि यस, इंडिया इज प्रोवाइडिंग ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज. तो अब इंडिया ने क्या कहा, इंडिया ने कहा कि वो अपील करेगा पैनल के डिसीजन के अगेंस्ट. और इंडिया ने अपने फार्मर्स को कहा कि यू डोंट हैव टू वरी, कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस पैनल्स डिसीजन और हम अपील करेंगे, ठीक है. अब इंडिया के लिए शुगर सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो लार्ज पार्ट ऑफ आर पॉपुलेशन, अराउंड 5 करोड़ पीपल डिपेंड फॉर देयर लाइवलीहुड ऑन शुगर केन सेक्टर, ठीक है. कैसे? मिल्स में या फार्मर्स, किसी भी तरह बहुत सारे लोग हैं जो कि डिपेंड करते हैं इस सेक्टर पे, राइट. तो इसलिए ये हमारे नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्टली. और
इंडिया ने ये भी कहा कि हम तो डायरेक्ट सब्सिडी प्रोवाइड करते ही नहीं है, डायरेक्ट सब्सिडीज गैट के रूल्स के अंडर नॉट अलाउड है, राइट, पर या फिर एक लिमिट में अलाउड है, पर हम तो डायरेक्ट सब्सिडी प्रोवाइड ही नहीं कर रहे। तो इंडिया का डायरेक्ट सब्सिडी प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो इंडिया में जो शुगर केन के प्राइसेज हैं वो किस तरह डिसाइड किए जाते हैं? इंडिया में जो शुगर केन के प्राइसेज हैं वो इन दो मेजर्स पर डिसाइड किए जाते हैं, राइट। क्या मेजर्स हैं वो? फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसिंग, FRP, या फिर स्टेट एडजस्टेड प्राइसिंग, ठीक है, SAP। तो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, SAP स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ये जो प्राइस इन्होंने डिसाइड कर लिया, उसके बाद शुगर मिल्स जो है ना वो प्रोक्योर करती हैं शुगर केन को फार्मर से, ठीक है, और उनको इससे या इससे ज्यादा के प्राइस पे प्रोक्योर करना पड़ता है शुगर मिल्स को, राइट। तो गवर्नमेंट ने कहा कि डायरेक्टली तो हम कोई सब्सिडी दे ही नहीं रहे, राइट। अब क्या हुआ, अगर इंडिया ने कह दिया कि वो एपिलेट बॉडी में अपील करेगा, बट बाय चांस अगर एपिलेट बॉडी भी इंडिया के अगेंस्ट रूल कर देती है तो क्या सोल्यूशन है, तो क्या कर सकते हैं, राइट। सबसे पहली बात, एपिलेट बॉडी का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, नो अपील लाइज एनीवेयर एल्स, राइट। सेकंड थिंग इज कि अगर आपने उसको भी नहीं माना, इफ यू डू नॉट अग्री टू द एपिलेट बॉडीज डिसीजन, तो क्या हो सकता है, तो रिटेलिएटरी एक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। बाकी नेशंस आपके अगेंस्ट ऐसे मेजर्स ले सकती हैं जिसके आपके एक्सपोर्ट्स हैम्पर होंगे, राइट। और क्या है, और ये बात, राइट, कि अभी क्या चल रहा है, अभी एपिलेट बॉडी का खुद का क्राइसिस चल रहा है, एपिलेट बॉडी अभी खुद ही नहीं है प्रॉपरली मेंटेन्ड, प्रॉपरली मेड, तो इसलिए ये बात जो है वो रह ही जाती है, बिकॉज एपिलेट बॉडी तो अभी है ही नहीं, राइट। एपिलेट बॉडी का क्राइसिस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, सो दिस इशू प्रिवेल्स, राइट। अब हम बात करते हैं शुगर केन सेक्टर की। इंडिया का जो शुगर केन सेक्टर है ना, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया दोनों में प्रोडक्शन होती है शुगर केन की। साउथ इंडियन शुगर केन इज बेटर इन टर्म्स ऑफ शुगर केन सुक्रोज कंटेंट, ऑल्सो साउथ इंडिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, राइट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट के कारण जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो भी ज्यादा है शुगर केन की वहां, आपको पता होगा एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्रॉप। तो साउथ इंडियन शुगर केन की प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है, शुगर केन कंटेंट सुक्रोज कंटेंट भी ज्यादा है। नॉर्थ इंडिया में भी शुगर केन की प्रोडक्शन होती है, पर क्या बात है कि इस सेक्टर को बहुत ही बैडली रिफॉर्म्स की जरूरत है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो मिल्स जो प्रोक्योर करती हैं फार्मर्स से, उनका क्या इशू है, ये जो मिल्स हैं इनको FRP पे प्रोक्योर करना पड़ता है, इसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा लॉसेस में जा रही है, बहुत मिल्स बंद हो चुकी हैं, और जो मिल्स हैं, फॉर एग्जांपल द मिल्स इन UP एंड बिहार, वो इतनी ऑब्सोलीट मशीनरी है, उनकी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस सेक्टर को ओवरऑल एक रिफॉर्म की ज़रूरत है, स्ट्रक्चरली कैपिटल इन्फ्यूजन की ज़रूरत है, तो बहुत सारे रिफॉर्म्स इस सेक्टर में चाहिए, राइट। क्योंकि जो डिमांड है शुगर केन की वो तो उतनी ही रहती है, हम जितनी भी सब्सिडी प्रोवाइड कर दें प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, पर डिमांड तो स्टैग्नेंट है ना, तो फिर क्या करोगे उस प्रोडक्शन का, ठीक है। इस हिसाब से इसके कारण जो इसका प्राइसिंग है वो भी बढ़िया नहीं हो सकती है, राइट। पर आप अगर FRP दे के फार्मर्स को सपोर्ट भी कर देते हो, ठीक है, उसका क्या मतलब है, स्टेट जो है ओवरऑल गवर्नमेंट जो है वो तो लॉसेस में जा रही है ना, तो इट इज़ बेटर कि आप कुछ रिफॉर्म्स ही ले आओ सेक्टर में। सो ऑल दीज रिफॉर्म्स आर नीडेड इन आर शुगर सेक्टर, राइट। नाउ कमिंग टू आर टॉपिक्स फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कल हम एपिलेट बॉडी के क्राइसिस की बात करेंगे, जिसकी हमने आज भी थोड़ी सी बात की। ट्रिप्स वेवर इंडिया ने डिमांड किया था WTO में कोविड के टाइम, उसकी बात करेंगे। फिशरीज इशू जो बहुत टाइम से चलता आ रहा है उसकी बात करेंगे, और लास्टली रेलिवेंस ऑफ WTO इन द प्रेजेंट वर्ल्ड इसकी बात करेंगे, राइट। नाउ कमिंग टू सम MCQs, विद रिगार्ड टू स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट अंडर GATT, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो GATT के अंडर मिलता है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या ये डेवलपिंग नेशंस को अलाउ करता है टू गिव सब्सिडीज अंडर एम्बर बॉक्स फॉर 5 years, ठीक है, कि वो डेवलपिंग नेशंस को क्या ये अलाउ कर रहा है कि वो सब्सिडी देता रहे एम्बर बॉक्स के अंडर 5 साल तक? क्या ये ट्रू है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 5 और 10% की लिमिट थी डी मिनिमस क्लॉज के अंडर, राइट। अब क्या ये एग्जेम्प्ट कर रहा है डेवलपिंग नेशंस को फ्रॉम द सेम स्ट्रिक्ट ट्रेड रूल्स ऑफ मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस? यस, दिस इज ट्रू, कि ये डेवलपिंग नेशंस को एग्जेम्प्ट कर रहा है कि जो स्ट्रिक्ट रूल्स डेवलप्ड नेशंस के लिए उनको आप फॉलो मत करो स्पेशल ट्रीटमेंट के अंडर, राइट। और नेक्स्ट टू स्टेटमेंट्स को भी देख लेते हैं, ऑल डेवलपिंग कंट्रीज हैव टू गेट डिफरेंशियल ट्रीटमेंट
ऐसा कुछ नहीं है, दे डोंट हैव टू गेट इट. अगर वो चाहें अपना क्लेम नहीं भी ले सकते, क्लेम कर सकते कि हमें ये नहीं चाहिए, राइट. फॉर एग्जाम्पल, साउथ कोरिया ने 2019 में कहा था कि मैं अपना डेवलपिंग नेशन स्टेटस तो WTO में रखूंगी, पर मुझे ये जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है ना, ये नहीं चाहिए, राइट. अब WTO's जनरल काउंसिल डिसाइड्स व्हिच कंट्रीज रिजर्व SND. क्या ये जनरल काउंसिल डिसाइड करता है कि कौन सी नेशंस है डेवलपिंग है, कौन से डेवलप्ड है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अभी जो है WTO में, एक नेशन खुद डिसाइड करता है कि वो डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आएगा या डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी में आएगा, राइट. नाउ विच बॉडी डिसाइड्स FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस? कौन सी बॉडी डिसाइड करती है? शुगर मिल्स? नहीं, शुगर मिल्स तो प्रोक्योर करती है. स्टेट गवर्नमेंट, एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री, SAP करती है, स्टेट गवर्नमेंट की SAP मिनिस्ट्री. कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. यस, ये बॉडी है जो डिसाइड करती है FRP. FRP के बाद क्या होता है? शुगर मिल्स को FRP पता लग जाता है, और फिर शुगर मिल्स जो है वो प्रोक्योर करती है फार्मर्स से, राइट. नाउ दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो. लेट्स कम बैक टू आर कंबाइंड कोर्स ऑन स्टेट सिविल सर्विसेज. ये कोर्स जो है PCS, HCS और HAS एग्जाम के लिए है. ये हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 10th of April, और इस बैच का एक स्पेशल फीचर है 7-day फ्री ट्रायल का. 7-day फ्री ट्रायल में आप 7 days एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लाइव लेक्चर्स देख सकते हैं. हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी के लेक्चर्स की आपको एक्सेस मिल जाएगी. सो 7-day फ्री ट्रायल को स्टार्ट कैसे करना है? देर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उस पर जाइए और अपना 7-day फ्री ट्रायल स्टार्ट कीजिए. So this batch is, again I'm telling you, for combined preparation of state civil services, PCS, HCS and HAS exam. If you found this video useful, do like and share it, and also subscribe to our channel Abhimanyu IAS. Thank you.